जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। विकास इकोटेक में सबसे दो तीन बड़ी अपडेट है। एक तो कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के नंबर आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसको लेके कंपनी के शेयर प्राइस में क्या मूवमेंट हो सकता है आने वाले कुछ समय में उसको जानेंगे। और दूसरी बात, जो गिरावट देखने को मिल रही है ये गिरावट के पीछे की वजह को समझेंगे। गिरावट कहाँ तक, मतलब अभी तो गिरावट होना शुरू ही हुआ है क्योंकि शेयर प्राइस एकदम टॉप पर पहुंच गया है। और चूंकि टॉप पर पहुंच जाने के बाद इसमें सावधान हो जाने की जरूरत होती है, क्योंकि टॉप पर है तो यहीं से लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, प्राइस नीचे आएगा तो जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें सावधान होने की जरूरत है। और उसके बारे में बताऊंगा आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और जिसको यदि नया इन्वेस्टमेंट करना है, चूंकि कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर आए हैं, नंबर ठीक ठाक लग रहे हैं, तो इसके ओवरऑल बेसिस में समझेंगे कि हमें इसमें करना क्या। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। देखिए, दो तीन पैरामीटर्स होते हैं किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। एक होता है कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर में काम करती है। यदि सेक्टर का ओवरऑल ग्रोथ बढ़िया है तो माना जाता है कंपनी आने वाले समय में बेहतर करेगी। तो जब हम इस कंपनी के काम को समझते हैं तो हम सभी जानते हैं कि ये जो कंपनी है विकास इकोटेक, ये बेसिकली केमिकल बनाने वाली कंपनी है और हर प्रकार के लगभग केमिकल बनाती है। और हम सभी जानते हैं कि जो आजकल केमिकल का यूज है वो लगभग सभी चीज़ों में होता है। हमारे नहाने धोने से खाने तक की चीज़ों में लगभग केमिकल मिला ही हुआ होता है किसी न किसी माध्यम से। तो केमिकल कितना जरूरी चीज है ये आप समझ सकते हैं। तो जो चीज नेसेसियल होता है उसको आने वाले समय में कंपनी का, मतलब चूंकि उसकी डिमांड बढ़ती है तो शेयर प्राइस में तेजी आने के चांस रहते हैं। तो इसके काम के बेसिस पे जो हम समझते हैं तो विकास इकोटेक एक अच्छा स्टॉक नजर आता है। तो अभी तक हम लोगों ने काम समझा, फंडामेंटल समझ लेते हैं। तो जब फंडामेंटल को समझते हैं तो मार्केट तक तकरीबन 697 यानी कि तकरीबन 700 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, यानी कि एक स्मॉल कैप चलेगी कंपनी इसको कह सकते हैं। पीई काफी महंगा है। देखिए, यदि नया व्यक्ति है तो उसे तो चार्ट पर लेवल में बताऊंगा, वहां पे आप इसको उठा सकते हैं। शेयर प्राइस 5.15 रुपए जो कि इस कंपनी के जो बुक वैल्यू है उससे ज्यादा है, ये बढ़िया बात है। और ओवरऑल जब हम कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी देखते हैं तो यह काफी कमाल का नजर आता है। क्योंकि मतलब माइनस में जहां पर देखेंगे जो दूसरे पेनी स्टॉक्स होते हैं उनका आरओई और आरओसी माइनस में होता है, यहां पर वैसी बात नहीं, ये प्लस में है। अब हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं, यानी कि एक साल के चार्ट पर अभी मैं आया हूँ और यहाँ पे दिखाऊँ तो आप एकदम देखेंगे कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है बढ़ के लगभग अपने प्रीवियस हाई के करीब चला गया था। और चूंकि जब भी प्रीवियस हाई के पास जाएगा बहुत ज़्यादा हाई लगा लेगा, थोड़ा सा वहाँ से प्राइस करेक्ट करने नीचे आता है। और ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, मुझे उम्मीद है 5 रुपये के आसपास तक आएगा और फिर यहीं से ये प्राइस रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर उठेगा और फिर आपको इजिली 8 से लेकर 10 रुपए के बीच में जाते हुए दिखेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म में आप इस स्टॉक में 8 से 10 रुपए तक के लिए जा सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, जिन लोगों ने सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से इसमें पैसा लगाया था बहुत कम समय में प्रॉफिट कमाने के लिए, वो क्या करेंगे, यदि प्राइस 5 रुपए के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो आप एग्जिट हो जाइएगा, क्योंकि फिर आपके लिए मतलब नहीं है। हाँ, जो नए लंबी अवधि की निवेश है वो बेशक बने रहेगा, और जैसे प्राइस 5 रुपए के नीचे आकर रिट्रेसमेंट करके जब ऊपर जाने लगे तो आप लोग 5 रुपए करीब एवरेजिंग कर सकते हैं। जो नया व्यक्ति है वो यहीं पे एंट्री भी ले सकता है, हालांकि जो भी कीजिएगा अपनी सोच समझ और एनालिसिस की मदद कीजिएगा, मेरे कहने पर नहीं कीजिएगा। मेरे डायरेक्ट बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो आपको ध्यान देना है, जैसे प्राइस 5 रुपए रिट्रेसमेंट करके जब ऊपर निकलेगा तो प्राइस इजीली आपको 8 से 10 रुपए तक जाते हुए दिखेगा। ये शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में क्या होने वाला है, क्या मेरा व्यू है, वो मैंने अपनी बात इसमें रखी। अब हम लोग चलते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट पर, देखते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग जब सेल्स को देखते हैं तो सेल्स इस मंथ में आपको बढ़ते हुए दिख रहा है दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में, और लगभग पिछले 2-3 क्वार्टर्स देखेंगे तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। यानी कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कंपनी के सेल्स में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेल्स बढ़ा है, लेकिन जब हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में डिक्लाइन होते हुए दिखा है, थोड़ा सा कम होते हुए दिखा है। वजह यह है कि कंपनी का खर्चा भी बढ़ गया है। जब कंपनी पैसे ज़्यादा कमाते हैं तो उनके खर्च, कोई भी व्यक्ति के तौर पर समझिए, यदि पैसा ज़्यादा आएगा तो खर्चे ज़्यादा होंगे, जिस वजह से आपको स्पष्ट दिखेगा कि इस बार जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है वो थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी पैसों का यूज़ कंपनी ने डेप्ट को कम करने में भी किया है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कम होते हुए दिखा है आपको। तो ओवरऑल हालांकि ज़्यादा कमी नहीं आई है नेट प्रॉफिट में, लेकिन फिर भी कम है तो कम ही इसको आंका जाएगा। तो ये जो आपने देखा ऊपर शॉर्ट टर्म ये जो गिरावट थी, तो एक थोड़ी सी एक शॉर्ट टर्म गिरावट इसके बदौलत भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए नहीं दिखा है। हालांकि कहीं ना कहीं क्वार्टर्स के नंबर का शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के शेयर प्राइस पर, लेकिन ये कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डालता, क्योंकि और इतने भी बुरे नंबर नहीं है। कंपनी के सेल्स तो आपको ओवरऑल बढ़ते हुए दिखे हैं। अच्छी खबर यहाँ पर है, बैलेंस शीट में जब आप देखते हैं कंपनी के पास जो बोरो था, जो कर्ज था, वो आपको लगातार कम होते हुए दिखा है। तो ये जिसमें बताया कि कंपनी के पास जिस तरह से पैसे आए हैं उसका यूज़ किया है कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम करने में, तो जाहिर सी बात है इसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा थोड़ा सा कम होगा। बाकी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, तो ये बढ़िया बात, मतलब फंडामेंटल कंपनी का मजबूत हो रहा है। फंडामेंटल को कमजोर नहीं कहेंगे, कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और बाकी जैसे जो कंपनी काम करती है जिस सेक्टर में उसका तो ग्रोथ है ही। तो ओवरऑल जब हम कंक्लूजन निकालते हैं तो विकास इकोटेक एक बेहतर स्टॉक नजर आता है लंबी अवधि की दृष्टि से जब हम इसके बारे में सोचते हैं। तो
तो इसके रिलेटेड जो भी जानकारी थी, जो अपडेट था, मैंने अपना व्यू रखा इस वीडियो में। यदि आपको मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।